जस्टिस कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं, बट हम बहुत निराश है आज की हियरिंग के बाद। जूनियर डॉक्टर्स हम लोग बहुत आशा लेकर बैठे थे। Agitating junior doctors in West Bengal resumed their indefinite total cease work on Tuesday to press the state government on various demands, including ensuring their safety and security at all medical establishments. The junior doctors had on September 21st rejoined their duties partially at government hospitals after a 42-day protest. They were on a cease work agitation to protest against the rape and murder of an on-duty woman doctor at RJ Kaur Medical College and Hospital on August 9. This is a junior doctor, Shreya Shaw, who spoke to ANI. Justice कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं, but हम बहुत निराश हैं आज की hearing के बाद। Junior doctors हम लोग बहुत आशा लेकर बैठे थे। 2 बजे से स्टेज पर हमारे धरना मंच पर हम बैठे थे कि हम देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट जैसे 27 सितंबर से 30 सितंबर हो गई डेट, डिले हो गई। अभी ये डेट 30 सितंबर से 14 अक्टूबर हो गई है, 14 दिन डिले हो गई फिर से नेक्स्ट हियरिंग के लिए। और आज जो टाइम था 2 बजे का टाइम दिया गया था, जब 5 बजे जाकर सुनवाई शुरू हुई, तो वहां पे ही हम कहीं ना कहीं एक आशा खोने लगे थे कि क्या हो रहा है, आज क्या हियरिंग होगी, आज क्या सुनवाई होगी। हम सब बैठे हुए थे, सब वेट कर रहे थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि आज की हियरिंग भी क्या कैंसिल हो जाएगी, क्या चल रहा है अंदर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस मोमेंट हम बस सीजीआई, ऑनरेबल सीजीआई पे ये आशा के साथ हम आज अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हमें जस्टिस मिलेगा, हमें अभया का न्याय और इंसाफ मिलेगा। लेकिन न्याय इंसाफ से रिलेटेड कोई डिस्कशन कुछ खास हुई नहीं, बट जो नेशनल टास्क फोर्स की आप बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया था, वहां पे हम ये देख पाए कि 21% 26% ऐसे डेटा आ रहे हैं, मतलब 50% काम नहीं हुआ है कहीं पे भी। और जब तक ये काम नहीं हो रहा है तब तक हम लोग सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, और हम ड्यूटी कम्प्लीटली नहीं रिज्यूम कर पा रहे हैं। और अब जब हमने देखा कि सागर दत्ता में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, नेशनल मेडिकल में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, तो कोई गारंटी नहीं है कि कल आरजीकर में हम ड्यूटी फुल फ्लेजेड ज्वाइन कर लेंगे, या जो हम ड्यूटी अभी कर रहे हैं वो उस दौरान भी ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व कौन लेगा? नोबडी इज आंसरेबल। एंड स्टेट गवर्नमेंट हर हियरिंग में वी वॉन्ट सम टाइम, ये टाइम लेकर बस हियरिंग ही डिले हो रही है, कुछ काम, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑनरेबल सीजीआई ने बोला कि व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन, क्या काम हुआ है हमें बताओ, कितने सीसीटीवी लगे हमें बताओ। तो जब उनके आंसर सुन रहे हैं, दे आर नॉट, मतलब एकदम भी कुछ खास काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना के बराबर हुआ है। और जो भी हमारी मांगे है वो, उनमें से कुछ भी मांगे जो वहां से रिलेटेड है वो पूरी नहीं हुई है, और न्याय तो हमें मिला ही नहीं है। तो न्याय जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। हमने देखा कि कुछ लीड्स ऐसे बंद ऑनवलप में कुछ 5 या 7 नाम ऐसे हैंडओवर कर दिए गए हैं, कुछ लोगों के अगेंस्ट ऐसा उनका सस्पिशन मिल रहा है, उन्हें लीड्स मिल रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लीड्स तो उन्हें पहले दिन से मिल रहे हैं, जब से सीबीआई आई है इस कैंपस में आरजी कौर में, तब से उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट एक्शन क्या है? एक्शन कुछ करना पड़ेगा, अरेस्ट कुछ करना पड़ेगा, कुछ जो पनिशमेंट है वो अनाउंस करना पड़ेगा, तब हमें लगेगा कि हाँ इस देश में न्याय है, हाँ हमें न्याय मिलेगा, और लोगों को यकीन होगा कि हाँ न्याय हो रहा है, इंसाफ मिल रहा है, कुछ हो रहा है। तो बस लीड्स है, कुछ ऑनवलप्स में इधर उधर हो रहे हैं, हमें इतना समझ नहीं आता। तो हमें चाहिए कि एक्शन हो, और एक्शन स्टेट गवर्नमेंट से भी हो, एक्शन सीबीआई से भी हो, जल्द से जल्द हो।